हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। इस वीडियो में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित विभिन्न विषय में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नॉन टीचिंग में विभिन्न पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, तो सभी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है रेगुलर बेसिस पे हैं और जो कंटेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं वह नीचे हैं, नीचे मैं बताऊँगा। नॉन टीचिंग में जो पद हैं जो कंटेक्चुअल बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं, इसमें हम पद की बात करें तो सबसे पहले प्रोफेसर का जो पद है L14 का पद है और सैलरी 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 से लेकर 2,17,100 रुपये हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये सैलरी हैं। इसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे प्रोफेसर का पद, यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का पद, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया गया है। इसमें अंबेडकर स्टडी में आवेदन आमंत्रित हैं। हम बात करते हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में, इसके अलावा एनिमल साइंस हैं, केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स में हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्टडी में भी आवेदन आमंत्रित हैं, इंग्लिश और विजुअल आर्ट और हिंदी में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। लाइब्रेरी साइंस में कुल दो पद हैं, एक प्रोफेसर का, एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद है। मैथमेटिक्स में हैं, इसके अलावा न्यू मीडिया हैं और प्लांट साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो है एसोसिएट प्रोफेसर का पद है, पंजाबी एंड डोगरी में दोनों में है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। सोशल वर्क में प्रोफेसर का पद है और सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर कुल तीन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। योगा में कुल तीन पद हैं जिसमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से कुल हम बात करें तो इसमें जो कंटेक्चुअल बेसिस पे जो आवेदन आमंत्रित हैं इसकी हम बात करते हैं, तो इसमें भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं। और ऊपर में बताया था नॉन टीचिंग के लिए, तो सॉरी, ये नॉन टीचिंग का पद नहीं है, यह जो है टीचिंग के लिए हैं। तो इसमें इन्वायरमेंटल साइंस हैं, इसके बाद HP केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में हैं, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस में हैं और मास मीडिया यानी जर्नलिज्म में, मास मीडिया में आवेदन आमंत्रित हैं, मास कम्युनिकेशन में, सोशल वर्क और कश्मीर स्टडी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अब जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन EDC रेगुलेशन 2018 के अनुसार हैं। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है 7 जुलाई 2023 तक हैं। और अप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो इसमें जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं और जो अदर कैटेगरी हैं OBC के लिए हैं जो 400 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। तो क्वालिफिकेशन जो है UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं और क्वालिफिकेशन आपको खुद देखना है। अब मैं बात करूं कि यह जो पद हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो वैकेंसी है रेगुलर बेसिस यानी डायरेक्ट रिक्रूट सॉरी रेगुलर बेसिस यानी सरकारी वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे ये रेगुलर वैकेंसी दी गई है तो यह सरकारी नौकरी है। तो इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।